नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस हुआ रद्द, शिकायत के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। बीपी पुजारी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला में बनाए जाएंगे नए कक्ष, आज हुआ भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन, कहा सावरकर ने मांगी अंग्रेजों से माफी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुराने भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिद्धि विनायक अस्पताल में इलाज के दौरान एक 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई है, जिसकी जांच के बाद अब अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं 4 डॉक्टर सहित 7 की गिरफ्तारी आज हो सकती है। बता दें कि भिलाई 3 पुलिस में FIR दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जाँच के आधार पर सभी के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर समित राज प्रसाद, डॉक्टर दुर्गा सोनी, डॉक्टर हरिराम यदु, डॉक्टर गिरीश साहू आदि के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज भी किया गया है, जिस पर एक्शन के बाद सिद्धिविनायक अस्पताल की लाइसेंस भी रद्द कर दी गई है। नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष आकाश तिवारी के साथ मिलकर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला बीपी पुजारी स्कूल में एक नए अतिरिक्त कक्ष का विकास और निर्माण करवाने के कार्य का शुभारंभ भूमि पूजन किया। बता दें कि ये शासन की खनिज निधि न्यास मत से 20 लाख रुपए की स्वीकृति से हो रहा है। भूमि पूजन के बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि तय समय सीमा के भीतर लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जिसमें उच्च स्तरीय गुणवत्ता बनी रहे और विकास कार्य अच्छे से होता रहे। बता दें कि बीपी पुजारी स्कूल प्रशासन की ओर से सभी को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि तिलक गांधी या भगत सिंह ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, जबकि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भी दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, उस पर भी सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में आलोचना होने के बाद किया गया है, अन्यथा केंद्र सो रहा था, वहां विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहता था, लेकिन इस मामले में इसकी निष्क्रियता समझ से परे है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।